दोस्तों, स्वागत है आपका माइक्रो ट्रिक्स में। ओके, आज से हम लोग पैरेलली चलेंगे तीन मेन सब्जेक्ट के ऊपर। एक ऑब्जेक्टिव सी, दूसरा स्विफ्ट, दूसरा एक फ्लटर भी है और एक भी है DSA का, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो एक एक दिन करके, एक एक डे का इंटरवल में हम लोग सब्जेक्ट वाइज कवर करते रहेंगे। मीन्स आज स्विफ्ट हुआ तो कल ऑब्जेक्ट सी, या फिर नेक्स्ट डे फ्लटर, या फिर नेक्स्ट डे DSA, ऐसे ऐसे कवर करते जाएंगे। ओके, तो स्विफ्ट शुरू करने से पहले कुछ बेसिक से चीज़ें हैं स्विफ्ट के बारे में। बेसिक मीन्स हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, सब समझ सकते हैं आप लोग। स्विफ्ट को लाया क्यों गया, स्विफ्ट आया कहाँ से। ओके, चलिए देखते हैं। स्विफ्ट को इसलिए उसको इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि एप्पल को फील हुआ कि उनका जो एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो ऑब्जेक्ट मोबाइल सेगमेंट के लिए या फिर उनके ऑपरेटिंग सिस्टम सेगमेंट के लिए, मैक ओएस के लिए, जो ऑब्जेक्टिव सी, वो काफ़ी साल हो गया और उसका एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग भी काफ़ी होना शुरू हो गया था। ठीक है ना, मीन्स उनका उस एप्लीकेशन का रिवर्स इंजीनियरिंग भी, क्योंकि एक एप्लीकेशन का अगर स्टेबल वर्जन रिलीज होता है तो रिवर्स इंजीनियरिंग करने वालों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, वो इजीली उसको ब्रेक तो कर ही लेते हैं, आज नहीं तो कल तो ब्रेक ही कर देते हैं। ठीक है ना, ये एक रीज़न नहीं है। दूसरा रीज़न है कि ऑब्जेक्टिव सी को लर्न करने के लिए जो उसका जो पैटर्न होता है ना, ऑब्जेक्टिव सी का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा टफ है और आजकल के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है वो बहुत इजी टू लर्न होना चाहिए। जैसे पाइथन के स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, उसका सिंटैक्स देखिए इजी टू लर्न है। PHP का इजी टू लर्न है। इसका जावास्क्रिप्ट का देखिए, उसका सिंटैक्स, उसका टर्मिनोलॉजी, उसका पैटर्न इजी टू लर्न है। मीन्स ज़्यादा कुछ उसको ऑब्जेक्ट बनाओ, पॉइंटर क्रिएट करो, ये नहीं, वो इतना ईजी पैटर्न फॉलो करते हैं कि कोई भी आके उसको लर्न करने के लिए मीन्स उसको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है। आप अगर अच्छे से मेहनत करो तो एक महीना डेढ़ महीने में आप इजीली कोई भी एक लैंग्वेज लर्न कर लेते हो। सो इसलिए उनको फील हुआ कि एक इस तरह का लैंग्वेज पैरेलली हमें डेवलप करना चाहिए ताकि एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को भी हर्ट ना हो, मीन्स एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन भी चले और एक नया लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करने के बाद वो न्यू जो टेक्नोलॉजी डेवलप, न्यू एप्लीकेशन डेवलप होगा, वो उस प्लेटफॉर्म को भी पब्लिक यूज़ करना शुरू कर दे। सो इन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। स्विफ्ट काफ़ी इजी है और काफ़ी फास्ट भी है, काफ़ी आप कह सकते हो कि एक फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। इसके बहुत सारे प्रोज भी है और कुछ हर चीज़ का एक प्रोज भी होता है तो कॉन्स भी होते हैं, मीन्स पॉजिटिव पॉइंट भी होता है तो नेगेटिव पॉइंट भी होता है। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको नोटिस किया होगा, मैंने यहाँ पर डॉट स्विफ्ट लिखा है। ये इंटेंशनली डॉट स्विफ्ट इसलिए लिखा कि उसका जो एक्सटेंशन है ना स्विफ्ट फाइल का, डॉट स्विफ्ट ही होता है। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट अभी किया। ओके, तो सोचा बता दूँ कि ये डॉट स्विफ्ट इसलिए कि उससे एक्सटेंशन डॉट स्विफ्ट रहता है, कोई भी फाइल का डॉट स्विफ्ट रहेगा। तो स्विफ्ट लैंग्वेज को लाने का तो रीज़न तो मैंने बता दिया कि उनको आज नहीं तो कल तो उसको इंट्रोड्यूस करना था इस फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, मतलब एनवायरमेंट में, या फिर एक फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। आपको अगर सर्वाइव करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो न्यू एक टेक्नोलॉजी, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू आइडिया तो लाना ही पड़ता है मार्केट, अदरवाइज सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
So Swift is a new programming language from Apple, built by Apple, that builds on the techniques learned in Objective-C, but modernizing them into shorter syntax. Okay. So Swift को इसलिए इसको लाया गया क्योंकि इसका टेक्निक Objective-C का क्या है, उसका पैटर्न, उसका टेक्निक, उसका सिंटैक्स काफ़ी लेंदी होता है और उसका एक क्या कह सकते हैं, टफ हो जाता है एक बिगनर के लिए, एक न्यू टेकी गाय को अगर मोबाइल एप्लीकेशन iOS डेवलपमेंट एंट्री करने के लिए उसको पूरा थोरोली उसको गो थ्रू करना पड़ता है कि ये किस लिए और नॉन एटॉमिक क्यों डिफाइन करते हैं, एटॉमिक क्यों नहीं लिखा जाता है बाय डिफॉल्ट में, ठीक है। एन एस स्ट्रिंग को मेरे को सिर्फ अगर मैं स्विफ्ट में क्या करूँगा, अगर कोई एक स्ट्रिंग को मैं डिफाइन करूँगा तो सिंपल सा लेट स्ट्रिंग वैल्यू इजिकल टू स्ट्रिंग करते हैं, या फिर स्ट्रिंग वैल्यू अगर लेट कर दिया मीन्स वो डिक्लेयर हो गया, लेकिन Objective-C में उस चीज़ को बहुत लेंदी वे में कैलकुलेट किया जाता है। Objective-C में क्या होता है, एन एस स्ट्रिंग के थ्रू जाना पड़ता है, एन एस स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम, ओके, और उससे पहले आपको प्रॉपर्टी बनाना पड़ेगा। Objective-C में अगर मेरे को स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ता है तो मेरे को प्रॉपर्टी के थ्रू इस तरह से मेरे को डिफाइन करना पड़ता है। ओके, रिटर्न लिखो, स्ट्रॉन्ग लिखो, डिपेंड्स आपका, वीक लिखो, स्ट्रॉन्ग लिखो, कॉपी लिखो, डिपेंड्स आप क्या उसको यूज कर रहे हो, किस प्रोस्पेक्टिव में आप यूज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन सूट में लेट स्ट्रिंग वैल्यू दिस वन, आप उसका कुछ भी डिफाइन कर लो। सो सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कितना डिफर कर रहा है, ठीक है। और जैसे इसने कहा कि स्विफ्ट इज ए न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम एप्पल, बिल्ट बाय एप्पल, दैट बिल्ड्स ऑन ए टेक्निक्स लर्न इन द Objective-C, जो उन्होंने टेक्निक्स Objective-C में लर्न किया है उस चीज़ को यूटिलाइज करके एक मॉडर्न एज को प्रोग्रामिंग के थ्रू एडवांस करना, जो एक नया मॉडर्न एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंट्रोड्यूस करना था उनको, ठीक है। ठीक है, स्विफ्ट इज ए लैंग्वेज दैट इज ईजियर टू लर्न एंड ईजियर टू रीड, यस बहुत ईजी है, उसका सिंटैक्स है, उसका पैटर्न है, उसका फॉर्मूला, उसका ब्लॉक, उसका फंक्शन कॉलिंग पैटर्न है और मेथड डिक्लेरेशन, उसका नेटवर्क कॉलिंग जो डिक्लेरेशन एक्सटेंशन बहुत ईजी होता है, इसका ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है रेदर देन Objective-C के थ्रू, गिविंग इट ए लोअर बैरियर टू एंट्री व्हेन कंपेयर्ड विद द ओल्डर लैंग्वेज, यस दैट्स ट्रू। सो सूट उन्होंने लॉन्च किया था 2014 में फर्स्ट, पहले ये क्लोज था, पहले मीन्स उन्होंने 2014 में जब लॉन्च किया था ऐसे मीन्स एक इंडी डायरेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन बाद में उसको उन्होंने ओपन सोर्स कम्युनिटी के थ्रू हैंड ओवर कर दिया, मीन्स अब यू कैन एनीबॉडी कैन कंट्रीब्यूट विथ द स्विफ्ट प्रोग्रामिंग, आप भी अगर कंट्रीब्यूट करना चाह आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। स्विफ्ट इज जनरल प्रपोज मल्टी पैराडाइम कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय एप्पल, ये तो बेसिक से है, ये कोई एग्जाम में नहीं आता है। स्विफ्ट वाज इंट्रोड्यूसिंग जैसे मैंने कहा 2014, हाँ यहाँ से शुरू होता थोड़ा सा। स्विफ्ट जैसे उन्होंने लॉन्च तो कर 2014 में, लेकिन स्विफ्ट में बहुत सारे खामियाँ थी, बहुत सारे, मैंने खुद भी इनिशियल स्टेज से स्विफ्ट यूज़ किया था, बहुत सा उसका सिंटैक्स देख लो, उसका मेथड पैटर्न देख लो, उसका डिक्लेरेशन, उसका फाइल और
बहुत कुछ मेजर चेंज से, दो मेजर चेंज उन्होंने काफ़ी मेजर्स किया। ये जो वर्जन आप देख रहे हो ना फ्रॉम 2.2 to 3.0, ये एक मेजर चेंजेस था। ये मेजर चेंज सिंटैक्स चेंज, इतना ज़्यादा चेंजेस हुआ जिसके चलते पूरा प्रोजेक्ट का ऊपर काम चल रहा है। हाँ, ये जो मेजर चेंज है ना 2.2 से 3.0, ये सिंटैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा था। हर चीज़ उन्होंने चेंज किया था, इसलिए प्रोजेक्ट में काफ़ी सारा मेजर चेंजेस करना पड़ा, जिसके लिए आपको टाइमलाइन भी एक्सटेंड करना पड़ा था। हमें स्विफ्ट 4 रिलीज इन 2017 इंट्रोड्यूस सेवरल चेंजेस बिल्ट इन क्लासेस। हाँ, इन्होंने क्योंकि अभी क्या है ना, ये इवोल्यूशन मोड पे है, मीन्स अभी ये अभी भी चेंजेस कर रहे धीरे धीरे बहुत सारे, सेफ्टी, सिक्योरिटी, फाइल सेफ्टी, सिंटैक्स, क्लास कॉलिंग, नेटवर्क कॉलिंग, फाइल मैनेजमेंट, इमेज हैंडलिंग, बहुत कुछ चेंजेस चल रहे हैं। इवन फ्रेमवर्क लेवल पर इन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं। तो ये मेजर से 2.2 से लेकर जो 3.0 जो वर्जन अपग्रेड हुआ था ना, ये मेजर अपग्रेड हुआ था। इसका ये जो हाउ डज स्विफ्ट डिफर फ्रॉम ऑब्जेक्टिव सी, मैनी पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी डिफर है, सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, उसका लर्निंग का टेक्निक है, बहुत ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव सी लाइकली स्टिल हैज़ ए लॉन्ग लाइफ, यस इट्स ए स्टेबल वर्जन, ऑलमोस्ट 4 decade हो गया या अभी भी सर्वाइव कर रहा है ऑब्जेक्टिव सी। ओके, जबकि स्विफ्ट जस्ट अभी 1 decade भी हुआ नहीं है, 2014 में लॉन्च हुआ था, अभी 8 ईयर हुआ। सो अभी इसका काफ़ी टाइम अभी इवोल्व में चलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव सी काफ़ी पुराना, बहुत स्टेबल, बहुत सारा एप्लीकेशंस ऑब्जेक्टिव सी में अभी भी रन हो रहा है। बेनिफिट्स क्या है? हाँ, इसमें स्विफ्ट का सेमीकोलन का झमेला नहीं है, ये स्ट्रक्चर बेस्ड है, प्रोटोकॉल बेस्ड है, ठीक है ना। मीन्स आपने अगर डिफाइन किया हो तो उसको कंफर्ट करना, वो मैंडेटरी बता देता है कि हाँ इस प्रोटोकॉल में ये डिफाइंड है, इसको मैंडेटरी आप ये करो। ईजी टेक्निकल लैंग्वेज है और ईजी टू लर्न है, ये तो बहुत बेसिक सा जो इन्फॉर्मेशन है, ये ठीक है ना। एक्सेस कंट्रोल, स्विफ्ट में एक्सेस कंट्रोल ओपन पब्लिक, ये जो ये तो अगर मैं और डीप ले जाऊँ कि स्विफ्ट में ऐसा क्या खासियत है जो आपको ऑब्जेक्टिव सी से थोड़ा अलग करता है। परफॉर्मेंस बेस्ड भी काफ़ी फास्ट है, परफॉर्मेंस इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये मेमोरी कंजम्पशन थोड़ा फास्ट करता है, फास्ट यूज भी करता है और रिलीज भी करता है, ठीक है। इसका मेमोरी मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ये स्ट्रांगली ARC को फॉलो करता है शुरू से, ठीक है ना। तो इसका मेमोरी मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। ऑप्शनल चेनिंग एक बेस्ट पार्ट है मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शनल चेनिंग में क्या होता है ना, आप यूजर को दो ऑप्शन देते हैं, आइदर नील हैंडल करो और डाटा हैंडल करो, ठीक है ना। अगर मैं x डॉट वैल्यू करूँ, सपोज मैं x इजिकल टू y डॉट वैल्यू करूँ, ठीक है। अगर वैल्यू एक y में कुछ वैल्यू नहीं होगा तो एरर थ्रू करेगा, ठीक है। लेकिन उस केस में मैं अगर मैं ऑप्शनल चेनिंग का ऑप्शन चेंज करूँगा, क्वेश्चन मार्क जो आता है, तो उस केस में क्या होना, वो बोलता है कि हाँ यहाँ पर आप नील भी आ सकता है, उसको भी हैंडल इजीली कर लेगा वो, ठीक है। प्रोटोकॉल ओरिएंटेड, ये कम्प्लीट प्रोटोकॉल ओरिएंटेड है, ये हर चीज़ के लिए आपको प्रोटोकॉल मिल जाएगा इसका, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट, तो मेमोरी मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि ये
इसका जो हैंडलिंग बेस्ड, ये एक्चुअली स्ट्रक्चर बेस्ड है रैदर देन कि क्लास बेस्ड। जैसे OGTC क्या करता है, क्लास बेस्ड, क्लास बेस्ड है एक्चुअली, ये स्ट्रक्चर बेस्ड है। तो इसलिए क्या होता है, इसका मेमोरी रिलीज का जो मेमोरी स्टोरेज का है, ये स्टैक में फॉलो पुट करता है मेमोरी को, और स्टैक से आप जिस जितना मेमोरी डी एलोकेट करोगे उतना आप इजीली एलोकेट भी कर सकते हो। लेकिन क्लास में क्या है, क्लास फॉलो करता है हीप स्ट्रक्चर को, और वो एक अलग ही प्रोसेस होता है, काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि काफ़ी उसमें ऑब्जेक्ट्स, एक हीप में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स होता है, उसको फिर मेमोरी रिलीज करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, और ये थोड़ा इसलिए मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फास्ट है। स्विफ्ट क्यों बेस्ट है, सेफ्टी है, हाँ काफ़ी सेफ्टी है, मीन्स अभी न्यू है तो आप उसका रिवर्स इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये हर बार इवॉल्व हो रहा है कि कौन सा वर्जन में क्या आ जाए पता नहीं है, तो काफ़ी उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सेफ्टी है, स्पीड है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बेस्ड और स्टैक बेस्ड को, स्टैक बेस्ड पैटर्न को फॉलो करता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यस, इंट्यूटिव है, एक्सेसिबल है, ये सब इसका बेसिक चीज़ है। उसका डीमेरिट क्या है, डीमेरिट ये है कि इसका लैंग्वेज स्टिल क्वाइट यंग, मैंने जैसे बोला ना अभी 7 to 8 ईयर्स हुआ है, ये अभी भी इवॉल्व हो रहा है, अभी भी चेंजेस ला रहा है, जबकि अभी इवॉल्व हुआ है तो इसका टैलेंट पूल बहुत लिमिटेड है, मीन्स अगर 2014 में से ये लॉन्च हुआ है तो अभी से लेकर 2014 से लेकर टिल नाउ जितना आपका रिसोर्स लर्न कर सकते, जितना भी इंजीनियर इसको जान सकते थे उतना ही है, लेकिन उससे पहले का जो क्या कर सकते हैं ऑलरेडी अक्वेंटेड है वो भी स्विफ्ट कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं स्विफ्ट में, लेकिन उनके लिए एक प्रॉब्लम होता है, वो कितना मल्टीपल टैलेंट को, मल्टीपल लैंग्वेज को, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करें, ठीक है ना। अभी का जो लेटेस्ट टैलेंट पूल है ना वो अभी स्विफ्ट की तरफ भागा जा रहा है, अर्लियर जो भागते थे वो पहले OGTC या जावा में जाते थे, ठीक है ना। अभी का कोटलिन यूज करो या फिर स्विफ्ट यूज करो, ये टैलेंट पूल इसका काफ़ी लिमिटेड हो जाता है उस केस में। पुअर इंटरबिलिटी इंटरऑपरेटिव विथ थर्ड पार्टी टूल एंड आइडियस, यस ये बहुत ज़्यादा पुअर है, क्योंकि थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज़ करना इसके लिए थोड़ा टफ हो रहा है, अभी टफ में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ब्रिजिंग कंसेप्ट का फॉलो करते हैं कि या फिर अडॉप्टर का फॉलो करते हैं, मतलब बेसिकली हम लोग का आई उसमें ब्रिजिंग का कंसेप्ट होता है, ठीक है। अगर मेरे को C++ लाइब्रेरी या फिर OGTC का फाइल को यूज़ करने के लिए मेरे को ब्रिजिंग ब्रिज बनाना पड़ता है दोनों के बीच में, दोनों फाइल के बीच में, तब जाके मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इनकम्प्लीट क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट मैंने अभी तक तो इस चीज़ को ये नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन काफ़ी सारे फ्रेंड्स से पता चला ये थोड़ा सा ये नहीं है, मतलब आप कंपेटेबल नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता कि कितना परसेंट कंप्लीट है, कितना परसेंट कंप्लीट नहीं है, या फिर कंफर्टेबल है कि नहीं, तो इसमें थोड़ा सा मैं 100% इन्फ्लुएंस नहीं दे सकता इसके बारे में। लैक ऑफ सपोर्ट फॉर अर्लियर iOS वर्जन्स, यस, क्योंकि ये जो सपोर्ट करता है मेरे ख्याल से iOS 7 और 8 के बाद से सपोर्ट करना शुरू करता है, और उससे पहले का जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो चुका है, हालांकि उससे पहले जो एप्लीकेशन डेवलप हुआ वो OGTC में हुआ, iOS 7 iOS 8 के बाद से स्विफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना। अब अगर उस जब इंट्रोड्यूस ही टू थम पहले iOS 7 8 में हुआ है तो उससे पहले सपोर्ट देने का कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि उस सब एप्लीकेशन से पहले से ही OGTC में बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये है बेसिक से कुछ चीज़ें कि सब स्विफ्ट क्यों फास्ट है, क्यों उसका मेरिट है, कोई डीमेरिट भी क्यों क्या है, तो ये चीज़ थोड़ा डिस्कशन करना था।
इसलिए ये पहला सेशन ले आया। तो नेक्स्ट सेशन से हम लोग स्टेट कोडिंग पे चलते हैं, प्रोग्रामिंग या फिर एक्सपोर्ट से। तो हर एक चीज़ का जो भी प्रॉपर्टी, क्लास डिक्लेरेशन, जो भी है, एक एक चीज़, चाहे छोटे से छोटा वीडियो क्यों ना हो, हर एक चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू अपलोड करना शुरू करेंगे। हर चीज़ का, ऑब्जेक्ट सी का भी, स्विफ्ट का भी, और जहाँ कंसेप्ट आएगा कंसेप्ट डालेंगे, डीएस का, हाँ डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का भी तो शुरू हुआ है, देखते हैं उसका भी कंसेप्ट क्लियर करने के बाद उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।